आज आरजेडी का स्थापना दिवस है और इसी को लेकर के लालू यादव अपने आवास पर उन्होंने गाड़ी चलाई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लालू यादव की। तो अपने आवास पर अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर लालू यादव खुद गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव अपने आवास पर उन्होंने गाड़ी चलाई। आरजेडी का आज स्थापना दिवस है और इसी को लेकर के आज लालू प्रसाद यादव की आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें वो उन्होंने खुद गाड़ी चलाई। तो आप देख सकते हैं खुद आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव एक अलग ही अंदाज में, अनोखे अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के समर्थकों के साथ यहां पर गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं अपने आवास के आसपास। लालू यादव का ये अनोखा अंदाज देखने को मिला। साकेत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साकेत, आज स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव का ये अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। देखिए, यह स्थापना दिवस वर्ष आरजेडी मना रहा है और पिछले दिनों इसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था और आज एक बड़ा लालटेन, लगभग 6 टन का ये लालटेन बनाया गया जिसका आज अनावरण लालू यादव आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में करेंगे। उससे और ठीक पहले आज लालू यादव अपने आवास पर जीप चलाते दिखे। उन्होंने लिखा भी है कि पहली गाड़ी जो लालू यादव की थी वो ये जीप है और उसे उन्होंने आज चलाया है। आप समझिए कि लंबे समय से बीमार थे लालू और अभी भी बीमार चल रहे हैं, इलाज में है। अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले वो पटना लौटे थे और ऐसे में आज वो जीप चलाकर ये एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है अपने कार्यकर्ताओं का कि अभी भी लालू के अंदर वो जोश है, वो जुनून है। क्योंकि लालू यादव अमूमन यही जाने जाते हैं, अक्कर स्वभाव के नेता माने जाते हैं और हमेशा कुछ नया करते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहे। और ऐसी ही तस्वीर आज दिखी भी है कि लालू यादव इतने बीमार होने के बाद भी जीप चला रहे हैं अपने आवास के अंदर। तो समझिए कि आप किस तरह से लालू जो है वो अभी भी उसी अंदाज में है। लालू का जो अंदाज नहीं, तो साकेत, इस वीडियो के जरिए मतलब कहीं कोई लालू प्रसाद यादव कोई संदेश, कोई बड़ा संदेश, कोई बड़ा मैसेज तो नहीं देना चाह रहे? देखिए, बिल्कुल देना चाह रहे हैं लालू यादव और यही वजह है क्योंकि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं लालू को लेकर जो जोश है वो जोश लालू यादव चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं में बना रहे क्योंकि लालू लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का भी मनोबल कहीं ना कहीं टूट रहा था तो लालू कहीं ना कहीं इस जेस्चर के जरिए ये बताना चाह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि जोश अभी भी उनके अंदर है। भले वो बीमार है, काफी बीमार चल रहे हैं, डॉक्टर के सलाह पर वो हमेशा रहते हैं, बावजूद इसके वो अपने घर के अंदर जीप चलाकर ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी जज्बा उनके अंदर है। इसलिए कार्यकर्ताओं को जोश में रहना है और आज थोड़ी देर बाद वो आरजेडी के प्रदेश कार्यालय भी पहुंचेंगे और यहाँ पर जो लालटेन बनाया गया है 6 टन का ये लालटेन है उसका वो उद्घाटन करेंगे, यहाँ पर अनावरण करेंगे और उसके लिए पूरी तैयारी आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में की गई है। कई कार्यकर्ता पार्टी के यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद है। तो ये तस्वीर जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने के लिए ही दर्शाया जा रहा है। बिल्कुल साकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। आरजेडी का ये जश्न तो हमने दिखा दिया लेकिन बिहार में 2 बड़े सियासी दलों के लिए आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है क्योंकि एक तरफ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री 15 साल पूरे कर लिए हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी की स्थापना के 25 साल आज पूरे हो गए हैं। दोनों ही दलों के नेता प्रदेश भर में जश्न मना रहे हैं जिसकी एक तस्वीर आपको दिखाई हमने। लालू यादव आज इस मौके पर 25 किलो का लालटेन वाला केक भी काटेंगे। उनके पार्टी का जो चिन्ह है लालटेन, उसी के आकार का बना हुआ आज केक भी लालू प्रसाद यादव काटने वाले हैं और उसको लेकर के उससे पहले आप देखिए ये लालू प्रसाद यादव के आवास की तस्वीर है जहां पर वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी कमजोर नहीं है, हम सबको हार नहीं माननी है और एक एक्साइटमेंट यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है।